किंग ऑफ जंगल में एक प्राइड रहता था और वो सभी मिलकर खुशी खुशी रह रहे थे। पर उसमें उस प्राइड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शेर था मुफासा, जो कि एक मेनियल लायन था, और उसकी पत्नी शरा भी एक मेनियल लायनेस। और एक दिन शराबी बोली, मुफासा अब हम बूढ़े हो चुके हैं, तो क्या हमें सिम्बा और नाला को मरे मरे नहीं बनाना चाहिए? बोलती तो तुम सही हो, सिम्बा और नाला को अब बना देना चाहिए, हमारे जानी दुश्मन हाइना है। हाँ हाइना तो है, पर वो हमारे यही आसपास ही घूमते रहते हैं, हमें इससे बच के रहना चाहिए। हाँ, और आशा है कि सिम्बा और नाला उसे हरा दें। तभी वहाँ नाला आ जाती है। मम्मी पापा क्या बात कर रहे हो? अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही आपकी बातें सुन सुन कर यहाँ आ गई। वैसे क्या बात चल रही है? मैंने सुना है कि आप मेरा और सिम्बा का नाम ले रहे होते। हाँ, हम तुम्हें मारे मारने बनाने की सोच रहे हैं। मारस महारानी? पर आप ही तो इस जंगल के सबसे अच्छी मारस महारानी हो। अच्छी मारस महारानी है, पर अब तुम्हें बनना पड़ेगा। अभी तुम सिम्बा को लेकर आओ। ठीक है, सिम्बा को लेकर आती हूँ। सिम्बा, मम्मी पापा बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। जाए मम्मी पापा, देखो सिम्बा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, तो अब तुम्हें जंगल संभालना होगा, ठीक है? ओ पापा, बस तुम्हें संभालना होगा तो तुम्हें संभालना होगा, ठीक है? ठीक है पापा, पर आप संभालने मुझे संभालने की क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए तो कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और अब तुम्हें हमारे भाई बनना चाहिए। ओ मुफासा एकदम सही बोल रहा है, अब तुम्हें हमारे मायनी बन जाना चाहिए। हाँ सिम्बा, मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमें हमारे मायनी बन जाना चाहिए। वो एकदम बूढ़े हो चुके हैं तो वो क्या रक्षा कर पाएंगे? हाँ बोलती तो सही हो तुम, तो क्या तुम हमारे मायनी बनने के लिए तैयार हो? हाँ पापा। हाँ पापा। ठीक है, तो फिर जंगल के जानवर एक साइड में खड़े थे, क्योंकि मुफासा ने एक आयोजन रखा था कि सिम्बा और नाला मारे मारनी बनने वाले हैं। तो मम्मा पोलर बेयर आई और बोली, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? मुझे मेरे बच्चे कहीं नहीं मिल रहे। ओ हेलो मारे मारनी, हमें मारे मारनी मत बोलो। क्यों? आखिरकार आप ही तो इस जंगल की मारे मारनी है। तुम आयोजन में नहीं आए? नया आयोजन? कौन सा आयोजन? बच्चे कहीं नहीं मिल रहे हैं। क्या आपके भी बच्चे नहीं मिल रहे? चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे बस इसी खेल कूद के आए गए होंगे। हाँ हमारे बच्चे भी कहीं नहीं मिल रहे। हाँ हमारे बच्चे भी कहीं नहीं मिल रहे, शायद बच्चे आ चुके हैं। मेरा प्यारा सा बच्चा, पर तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ चला गया? अरे मेरा बच्चा भी कहाँ चला गया? मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मतलब कि मेरे बच्चे। हम आ गए मम्मी। अरे ये तो नाला की प्यारी सी बच्ची है।
दोनों बच्चे मिल गए। और मम्मी ने भी मिल गया। ओह सुनो, एक बात बोलूं टाइगर? बोलो, अब क्या हो गया? हाँ, तुम तो ऐसी बदतमीजी से बात कर लो। अच्छा, क्या चल रहा है मेरे बिना? अब मुझसे दूर होकर कभी मत जाना, और अभी दूर जाओगे तो मुझसे पूछ कर जाना, ठीक है? ओके मम्मी। मुझे पता है कितनी फिक्र रहती है तुम्हारी। बाय बाय मिनी। बाय बाय। खुश रहना। मम्मी आना। मम्मी आना। चिंता मत करो, मैं अच्छा ही ना हूँ। ये देखो, मेरे गॉड। बॉस क्या कर रहा है आपके लिए? कुछ नहीं, बुराई का काम नहीं पर। आज के दिन बहुत सुहाना है ना? सुहाना है सराबी, पर तुमसे नहीं। मुफासा। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सिम्बा, मुफासा और सराबी अब गुजर चुकी थी, और अब सिम्बा और नाला ने बहुत अच्छी तरीके से अपने जंगल को संभाला था। हिप्पोपोटामस खुश रहता, और पता है दोस्तों, वो धूप में भी एक दिन रह सकता था। ना दयाली हिप्पो था। इस किंग ऑफ जंगल के सारे जानवर एक दूसरे की मदद करते थे, और अब सिम्बा और नाला ने अपना फर्ज निभाया था। तो इस तरीके से कहानी खत्म। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।